हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनके गेमिंग। और आज वक्त है आपके सवालों के जवाब देने के, यानी कि क्यू एंड ए के एपिसोड जो मैंने बनाया था उसके जवाब देने के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। इंट्रो लगा रहे हैं, मैंने बोला इंट्रो लगा। जो पूछा है हम लोगों से खुशी सिंह ने, जो योर वॉइस इज सो गुड, माय क्वेश्चन इज योर फेवरेट यूट्यूबर। मेरा फेवरेट यूट्यूबर कौन है? तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, तो भाई मेरा फेवरेट यूट्यूबर का नाम है मिथ पैड और बीस्ट बॉय शुभ और ट्रिगर्ड इंसान। आप लोग उन लोगों को शायद जानते ही होंगे। तो मेरे ये तीन फेवरेट यूट्यूबर हैं, मिथ पैड, बीस्ट बॉय शुभ और ट्रिगर्ड इंसान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो हमसे पूछा है, हमसे ये सवाल पूछा है स्कैरी बलून गेमिंग ने, आपका सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ। मेरा सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? तो भाई यार, गर्मियों का टाइम था और मम्मी ने बोला था 6:30 बजे खेल के आने के लिए, लेकिन मैं 8 बजे घर 8 बजे था और मैं खेल नहीं रहा था। तो मम्मी मेरी वहाँ पर आई जहाँ पर मैं खेल रहा था और मम्मी ने मुझे दूर से पहले बुलाया था। मैंने शायद नहीं देखा था उन्हें, तो मैंने नहीं देखा तो मैंने आंसर नहीं दिया। तो फिर मम्मी मेरे पास आई और मुझे वहीं पर धो डाला। उसी में सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरा। और भाई लोग उस टाइम लड़कियाँ सब मेरे दोस्त सब हमें देख रहे थे जब मैं पिटा रहा था। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा था अंदर से, मैं बहुत एम्बैरेस हो गया था। तो यही था सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। जो हमसे पूछा है, जो पूछा हमसे एनके ने, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसा ऐसा सवाल आप लोग क्यों पूछते हो? तो मैं उनका नाम लूँगा तो नहीं, क्योंकि मेरा कोई एक नहीं, हम लोग ग्रुप में रहते, ग्रुप ऑफ फ्रेंड, 3 फ्रेंड 4 फ्रेंड, तो हम लोग का 4 फ्रेंड का ग्रुप है जो लगभग हमेशा साथ में रहते हैं। तो उनका नाम ये रहा, अर्णव, सक्षम, टोनी, आंसू, और यही चारों है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड आप लोग मान सकते हो। इन्हीं चारों के साथ मैं ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता हूँ, तो यही चारों हैं। तो बस यही था मेरे बेस्ट फ्रेंड। और ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड क्यों, आप कितने लोग सोचेंगे, यही चारों क्यों? तो ये लोग भाई मेरे साथ हमेशा से रहे हैं, बचपन के फ्रेंड है, इसी वजह से आप लोग मान सकते हैं। अर्णव को मैं बचपन से जानता हूँ, सक्षम को, आशु को, टोनी को, तो इसी वजह से। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। जो हमसे पूछा है किसने, तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो हमसे पूछा है समीक्षा सिंह ने, फेस रिवील कब करोगे? और ये हाईएस्ट लाइक कमेंट है, ये क्वेश्चन सबसे लाइक क्वेश्चन है भाई। फेस और सबसे लाइक कमेंट था वो, फेस रिवील कब करोगे भाई? क्या आप लोगों को मेरे मुंह देखने में इतना दिलचस्पी क्यों है? मैं करूँगा फेस रिवील, जल्दी ही करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा। फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं फेस रिवील करने का। पहले मेरा टारगेट है जो 1K का, वो कंप्लीट हो जाए, फिर देखेंगे आगे फेस रिवील का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो ये सवाल हमसे पूछा है, तो बढ़ते अब अगले सवाल की ओर। जो हमसे पूछा है द ब्लास्टर गेमिंग ने, कौन है वो इंसान जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है हर टाइम हम लोगों को छोड़ के? तो भाई कौन है वो आप लोगों को छोड़ के? तो इसका आंसर है, तो उसका आंसर है मेरे पापा, मेरे दोस्त और मेरे फैमिली मेम्बर, जैसे मुझे अभी भी सपोर्ट करते और सब आगे भी सपोर्ट करेंगे, और इन्हीं की वजह से मैं यूट्यूब पर भी अभी हूँ। तो चलिए यही था आंसर इस क्वेश्चन का। तो अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। जो हमसे पूछा है, अगला सवाल है विवेक 8 गेमर का, कोविड की वैक्सीन कितने रुपए की? भाई कोरोना की वैक्सीन मैं नहीं बना रहा, रामदेव बाबा बना रहे। आप लोग जाके उनसे पूछ सकते हैं। कोरोनिल नाम है दवा का, लेकिन अभी लीगल नहीं है वो, लीगल जो दवा वो अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। मार्केट में नहीं आए तो मैं कैसे बता सकता हूँ उसका कितना नाम है, तो दाम भाई यार क्या बोल रहा हूँ, कितना दाम है। तो चलो यार अब बढ़ते हैं आपके कुछ और सवाल जो आप लोगों ने पूछा उनकी। और
तो अगला सवाल हमसे पूछा है, उनका नाम है BNG's कोऑर्डिनेट योर रिएक्शन ऑन 1 मिलियन। भाई जब मेरे 1 मिलियन हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरी सफलता कामयाब होगी 1 मिलियन पे भाई, मैं तो एकदम नाचूंगा भाई जी भर के अगला सवाल की ओर बढ़ बढ़। तो चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की ओर जो हमसे पूछा है। ये सवाल बहुत लोग पूछे हैं तो मैं सबको एक क्वेश्चन लूंगा इसमें कि आप। बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ जो हमसे पूछा है गंभीर गेमर ने कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। और अगला स्पेशल हिंदी गेमर ने भी यही पूछा है भाई कि आपके स्पेशल हिंदी गेमर ने भी वही सवाल पूछ लिया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो हाँ मेरे टूथपेस्ट में नमक है, अगर आपको मेरे टूथपेस्ट देखना है तो दिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर इस वीडियो पे आएंगे 100 लाइक तब दिखाऊंगा मैं कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं। वैसे मेरे टूथपेस्ट में नमक है मुझे पता है, क्योंकि मैं कॉलगेट का टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ और कॉलगेट बोलता है स्माइल कीजिए और शुरू हो जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और जो सब कोई जानना चाहते हैं, बहुत सारे बंदों जो ने पूछ ये हम लोगों सवाल से पूछा है। निंजा तो आप राउडर लोगों को तो गेमिंग पता ने भाई चलिए आपकी आपकी कौन से सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल आप लोग के जहन में है। तो चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन है और अपनी DF से मिलवाओ भाई, क्या ये क्वेश्चन, और ये इन्होंने भी यही सवाल पूछा है, डू यू हैव अ GF है नेपाली गेमिंग GF। तो भाई यार मेरी कोई GF नहीं है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा भाई, मेरी कोई GF नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, हाँ भाई मेरी कोई GF नहीं है, सच सच बता रहा हूँ, मेरी कोई GF नहीं, ठीक कोई GF नहीं भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, पापा मम्मी वीडियो देखते हैं। ऐसा ऐसा आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव GF, तेरी गर्लफ्रेंड कौन है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा भाई, मतलब क्या ये सब क्वेश्चन पूछो, कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछो। चलो ढंग का क्वेश्चन पूछ ही लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे सवाल की ओर जो आप लोगों ने कम से कम 2 से 3 सवाल ऐसे जो आप लोगों ने ढंग के पूछे हैं, वरना आता तो मेरा कमेंट सेक्शन आप लोगों ने तेरी GF है यही सब कर करके लाइक कर दिया है। और चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन से, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर जो पूछे इंपॉर्टेंट गेमिंग ने, गेमिंग सेटअप भाई अपना गेमिंग सेटअप। तो भाई मैं ये सोच रहा था कि मैं गेमिंग सेटअप टूर बनाओ कि डायरेक्ट सेटअप दिखाओ, तो आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं सेटअप टूर बनाओ कि डायरेक्ट दिखाओ। तो अगले क्वेश्चन हम लोगों से पूछा कांशा में से ने कि आपको एक सुपर पावर मिलेगी तो आप क्या चुनेंगे। तो भाई मुझे स्पाइडरमैन बनना है, स्पाइडरमैन, और मैं बन के भाई मुझे सुपर पावर देनी है तो स्पाइडरमैन की, दो चाहे तो आयरन मैन की। तो भाई आयरन मैन स्पाइडरमैन बन जाऊंगा तो उड़ते रहूँगा, इतना उड़ूंगा कि एक ना एक दिन गिर जाऊँगा। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर जो हम ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा सीजा और फानिया ने कि आई एम एक्सपेल फ्रेंड, एक्सपेल भाई को मैं जानता हूँ, आई एम ग्रेट फ्रेंड हिज एंड टोल्ड आस्क यू अवॉइड यू से, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो क्या करूँगा। भाई मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा भाई, मैं सबसे पहले तो मैं नेता वेता हूँ नहीं तो मैं क्यों ये आंसर दूँ। तो भाई मैं सबसे पहले गेमिंग कम्युनिटी को सुधारूंगा, गेमिंग कम्युनिटी को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं जानता हूँ कितने क्वेश्चन के मैं आंसर नहीं दे पाया तो उन लोगों को सॉरी भाई, मैं कोशिश करूँगा अगले Q&A में देने के लिए। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक एम पूरा कर दो, 50 लाइक है प्लीज़।